हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 करवा रहे हैं। बेटा चैप्टर नंबर 3 से पहले हमें 10th क्लास में जो हमने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसके सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए और साथ में उसके कंसेप्ट भी याद होने चाहिए। जब तक हमें उसके कंसेप्ट और फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक बेटा हम चैप्टर नंबर 3 को छू भी नहीं सकते, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले आप 10th क्लास की बुक उठाकर पहले अपने फॉर्मूले रिवाइज कर लें, किस तरह से क्वेश्चन किए थे उसे रिवाइज कर लें, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में एंट्री मिलेगी, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 बहुत आसान है, कब? यदि आपने चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूले तैयार कर लिए तो। चैप्टर नंबर 3 में लगभग 150 के आसपास फॉर्मूले हैं। 150 में से लगभग लगभग मैं 90 के करीब फॉर्मुलों को याद करने के तरीके बताऊंगा। 50 और 60 फॉर्मुले ऐसे हैं जो नॉर्मली आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? बाकी 90 के करीब फॉर्मुले ऐसे होंगे जिन्हें मैं बताऊंगा तरीके जिससे आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो वीडियो फर्स्ट बना रखी है एक फॉर्मुले को याद करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के, उस सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। अगर देख ली है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखी है तो रिवाइज करने के लिए मैंने एक फॉर्मूलों की वीडियो बनाई है, उसको याद कर लोगे या उसे देख लोगे, उसके बाद उसे लिख लोगे। फॉर्मूलों को लिख लेना है 10th वाले, क्योंकि बेटा बार बार मैं 10th क्लास के फॉर्मूले रिवाइज करूंगा तो टाइम बहुत लगेगा सॉल्व करने, ठीक है? 11th क्लास का जो मैथ है वो 10th क्लास के मुकाबले 2.5 टाइम्स ज्यादा है, 2.5 गुना ज्यादा है। 2.5 टाइम्स जो गुना ज्यादा का मतलब समझ रहे हो कि मतलब अगर हमने 10th क्लास का मैथ 3 मंथ में कवर किया था तो अब इसको कवर करने में हमें जो है 7.5 महीने लगेंगे, और जबकि टाइमिंग 11th क्लास में कम मिलता है 10th क्लास के मुकाबले। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है? आराम से करिए, लेकिन जब तक आप पुरानी चीजें नहीं तैयार करोगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा। तो आज बहुत छोटी सी क्लास होगी, केवल एक मात्र फॉर्मूला बताऊंगा चैप्टर नंबर 3 का मैं। फॉर्मूला क्या है? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। बस इस एक फॉर्मूले के आधार पर एक फॉर्मूला हमारा 10th क्लास का यूज होगा। ये तो हमारा 11th क्लास का फॉर्मूला मान लीजिए। एक 10th का फॉर्मूला था, आपने पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है? हिंदी वाले बोलते थे चाप की लंबाई, क्योंकि अब 11th क्लास में तो इंग्लिश में ही होता है तो मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा, हिंदी साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है? जिससे कि हिंदी वाले बच्चों को परेशानी ना हो। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है हमारा बन गया थीटा अपॉन 360 टू पाई आर। मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे याद करता, वैसे आपने हो सकता है इसे याद किया हो, टू से इसको काट के थीटा अपॉन 180 पाई आर, ठीक है? मैं इसे ऐसे इसलिए याद करता हूं, इससे मुझे ये एहसास होता है कि ये 2 पाई आर मतलब सरकमफ्रेंस, इसका मतलब ये क्या है, एक सरकमफ्रेंस का पार्ट है। देखो अगर आपको याद होगा जो मेरा आर्क होता था वो होता है ये वाला। थोड़ा सा मैं दूसरे कलर यूज कर लेता हूं। देखिए आर्क जो होता है बेटा मेरा ये वाला होता है, ये जो मैं थोड़ा रेड रेड किया ना, ये होता है आर्क। ये जो आर्क है इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं, लिखना भी देख लो। ये अगर हम ऐसे करके थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बना दें तो इसका मतलब है ये आर्क है, आर्क की लंबाई की बात हो रही है, ठीक है? तो इसकी जो लंबाई है वो निकालने का फॉर्मूला ये मेरा कौन सी क्लास में था, क्लास 10th। ये किसमें था आपका, थीटा, इसमें जो होता था वो थीटा होता था इन डिग्री। अब जो थीटा है, जो एंगल है, थीटा की जगह हम क्या बोलेंगे, एंगल, एंगल जो है, अब जो एंगल है वो हम लेंगे इन रेडियन। रेडियन जो है हमारी इंटरनेशनल यूनिट है एंगल को मेजर करने के लिए, डिग्री हमारी थोड़ी देसी टाइप की है। तो 10th तक तो चल जाता है भाई नॉर्मल। अब आप एक स्टैंडर्ड मैथ पढ़ने वाले हो इसलिए याद रखो, अब हम जब भी एंगल को मेजर करेंगे वो किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में मेजर करेंगे, रेडियन में। हालांकि डिग्री को भी छोड़ नहीं सकते हम,
लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी रेडियन है, तो इसलिए हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना भी आना चाहिए और रेडियन से डिग्री में भी चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। तीसरा जो सबसे खतरनाक कंसेप्ट समझना है आपको वो ये है, मान लीजिए ये लिखा है 30 डिग्री। 30 डिग्री का पता है क्या मतलब होता है? इसका एक मतलब ये भी हो सकता है 30 × 1 डिग्री। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है ये 30 की ऐसे पावर में लिखते हो डिग्री। ठीक है, मतलब ये आपको ये मतलब भी पता होना चाहिए 30 डिग्री का मतलब क्या है। अगर मैं डिग्री को ऐसे अलग करूं तो ये इसका फायदा क्या होगा अगर ऐसे पता पड़ गया। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 रेडियन, क्या लिख दिया मैंने 2 रेडियन, तो इसका मतलब ये भी निकलता है 2 × 1 रेडियन। तो ध्यान रखें ये एक फॉर्म है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब देखो अगर वैसे टेक्निकली देखें मतलब क्या है, रेडियन रेडियन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इसलिए 2 रेडियन बोल दिया उसने। भाई ऐसे ही तो हम गिनते थे किसी चीज को, मान लीजिए बॉक्स है, बॉक्स को हमने गिना 30 बॉक्सेस आ रहे, तो हम ऐसे भी बोलते थे 30 बॉक्सेस या 30 × 1 बॉक्सेस। 30 हमारा काउंटिंग हो गया और बॉक्सेस इंटू 1 बॉक्सेस कर दिया ना, तो वो 30 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो ये वाली फॉर्म बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है आपको, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मदद करेगी आपको इंटरचेंज करने में। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अच्छा जो रेडियन है ना बेटा, रेडियन को ऐसे भी लिख देते हैं, तो लिखना भी देख लीजिए। ऐसे अगर लिख दूं मैं पाई और ये रेडियन, मतलब जैसे डिग्री में 0 लगा देते ना ये छोटा सा, ऐसे रेडियन में सी लगाते हैं, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये ऐसे कह सकते हो पाई रेडियन ऐसे भी लिख दिया, या पाई के ऊपर हमने सी चढ़ा दिया छोटा सा, बड़ा सी नहीं चढ़ाना छोटा, जैसे डिग्री छोटी सी चढ़ाते, यानी कि पूरा ही 0 बना दो। तो इतनी बात याद रखोगे। अब देखिए सबसे पहला टाइप इसका क्या बन सकता है, चैप्टर नंबर 3 का टाइप नंबर 1। देखिए ये मान के चलूं मैं कि बुक आप सबने ले ली होगी, जिस बच्चे ने नहीं ली है वो बेटा डाउनलोड कर लेना, जो हमारी वेबसाइट है CBSE की उससे डाउनलोड कर लेना CBSE की बुक, अगर नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, मुझे क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सीधे ये बोल दे करूंगा ये क्वेश्चन नंबर इसकी है, तो आप वहीं पे खोल के अपना क्वेश्चन वहां से पढ़ लेना, मैं यहाँ लिख दूंगा। तो इससे क्या है थोड़ा सा टाइम बच जाएगा मेरा। तो देखिए जैसे अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा टाइप नंबर 1 के अंदर, ए कन्वर्ट 30 डिग्री × रेडियन, मतलब किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसने 30 डिग्री। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको 30 डिग्री का मतलब है 30 × 1 रेडियन। अब देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको 11th क्लास वाला, मैंने बताया कि भाई पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से यदि कोई व्यक्ति मेरे से 1 डिग्री की वैल्यू पूछे तो ये पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया, हो गया या नहीं हो गया? तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं 30 × π/180 और ये रेडियन, ये 30 से कैंसिल आउट हो गया, पाई अपॉन 6 रेडियन। ऐसे हम किसी भी डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, रेडियन में। अगर ये मिनट में आ जाए तो ध्यान रखो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड। यहां तक तो नॉर्मली सभी बच्चों को पता होता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 1 सेकंड इक्वल टू कितना मिलीसेकंड, तो ये होता है 100 मिली सेकेंड। ये अजीब है, यहां 60-60 का रिलेशन चल रहा है, यहां पे 100 का हो गया तुरंत। ठीक है, तो ये भी याद करना है आपको 11th क्लास के लिए। अब देखिए अगर मान लीजिए ये ही क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़िया बना देता हूं, वो कह देता 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करो into रेडियन। अब उसने मिनट और दे दी,
डिग्री को तो सिंपल हम ऐसे कर देते हैं, अब मिनट दे दी तो मिनट को क्या करें, कोई नहीं। सबसे पहले ये देखो, यदि 1 मिनट बराबर सॉरी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो यहां से 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब 20 की निकालेंगे तो 20 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 20 राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 20/60 रेडियन डिग्री इक्वल टू 20 मिनट। 20 मिनट को 20/60 मतलब इसे लिख सकते हैं 1/3, तो इसे लिख सकते हैं हम 40 डिग्री 1/3। ये भी किस में चेंज हो गया, इस पूरे को एक साथ ही कर देते हैं डिग्री, ये मिनट को मैंने किस में चेंज कर दिया डिग्री। अब इसका एलसीएम लिया हमने, वो सॉरी ये मिक्सड नंबर है, मिक्सड नंबर को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, तो ये हो गया इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस ये किस में चेंज है अभी डिग्री में, चेंज किस में करना है हमें रेडियन में, हमें पता है 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रेडियन में, ये तो इसको डाल देते हैं, इसे हम लिख सकते थे 121/3 × 1 डिग्री। अब जो ये 1 डिग्री की वैल्यू ये वाली आ रही है इसको यहां पे रख देंगे, ये चेंज हो जाएगा रेडियन में। बात समझ में आ गई, अगर इस स्टेप में कोई परेशानी आ रही हो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 40 डिग्री 20 मिनट ऐसे प्लस करके भी लिख सकता हूं, ये 40 डिग्री और 20 मिनट को चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड, अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 40 + 1/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, तो या तो डायरेक्ट ऐसे याद कर लो या ऐसे समझ। चलो अब आते हैं हम, हमारा क्वेश्चन बन गया पहला डिग्री से रेडियन में बनाना, अगर मिनट में भी दे रखा है तब भी रेडियन, एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा रेडियन से डिग्री में बनाना, रेडियन से डिग्री में बनाना। उसने दे दिया कि भाई 7π/6 रेडियन को कन्वर्ट इनटू डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया है। अब तुम्हें पता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं π/1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसे लिख सकता हूं 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री, पूरे का डिग्री लगा सकते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, अब लगा दो यहां पे, ये 7π/6 × 1 रेडियन ऐसे लिख सकता हूं इसको, इसीलिए मैंने लिखना सिखाया सबसे पहले, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात को कि क्या किया कैसे हुआ, इसलिए सबसे पहले ये लिखना सीख जाओ टेंशन खत्म। ये देखिए 7π/6 इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 180/π, और ये किस में चेंज हो गया मेरा डिग्री में, इसको इंटू 1 डिग्री भी लिख सकता हूं, सिंप्लीफाई कर लो 7π × 180 6 × π और इसको 1 डिग्री ऐसे भी लिख सकता हूं, इसे देख लो पाई से पाई कट गया 6 से कट गया 30, ये हो गया 210 × 1 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं 210 डिग्री। समझ में आ गया होगा, आसान है, दोनों कन्वर्ट आ गया, डिग्री से रेडियन में बनाना और रेडियन से डिग्री में बनाना, अगर मिनट में भी दे रखा है तब भी हम कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ये एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज कौन सी 3.1 मैं ऐसे लिख दे करूंगा जैसे कि आप क्वेश्चन बुक से देख लेना, एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्या कहता है, इसने बताया कि 1 मिनट में एक व्हील जो है 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब 360 चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, ठीक है 1 मिनट में, तो आप ये बताओ 60 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, भाई 1 मिनट में 60 सेकंड ही तो होती है, तो आप कहोगे 360 बार, अब मैं कहूं 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, तो आप इसको डिवाइड मार दोगे, तो आप कहोगे 1 सेकंड में सर ये 0 से 0 6
सिक्स रिवॉल्यूशन घूमेगा, 6 बार घूम जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जब मैं 1 बार रिवॉल्यूशन करता हूं, पूरा सर्किल घूमता हूं, तो मैं कितने रेडियन बनाता हूं? 2 पाई। 360 डिग्री बनाता था, नहीं बनाता था? 360 डिग्री। अब इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, 1 डिग्री ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 1 डिग्री को पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, ये चेंज हो गया रेडियन में। अब इधर इससे इसे काटा तो ये बन गया 2 पाई रेडियन। तो ये देखो ऐसे मैंने लिख दिया, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन। रेडियन को अंडरस्टूड है, लगाओ या मत लगाओ, वो समझ में है कि अगर पाई के ऊपर हमने रेडियन नहीं लगाया तो भी अंडरस्टूड है कि इसमें रेडियन ही लगा है, पाई में जब होता है। तो यहां पर कितने रिवॉल्यूशन हो रहे थे? 6। तो 6 का यदि मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई पाप हो गया? ये मेरा हो गया 12 पाई। मतलब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन रेडियन में करेगा, तो ये रेडियन में आ गया। इसे मैं ऐसे लिखूं, इसे मैं ऐसे लिखूं, या इसे मैं ऐसे लिखूं, तीनों का मतलब सेम है। जब कुछ नहीं लिखा तब भी रेडियन है क्योंकि पाई है। लिख दिया बहुत अच्छी बात, ये लिख दिया तब भी बहुत अच्छी बात। और कोई भैया ऐसे भी लिख सकता है, अगर उसने ऐसे भी लिख दिया तब भी इसका मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा देना इस क्वेश्चन के। फेवरेट क्वेश्चन है टीचरों का, ज्यादातर एग्जाम में पूछते ही रहते हैं, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो, और फर्स्ट एक्सरसाइज में से अगर टीचर का मन करेगा तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 और देख लीजिए एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 है एनसीईआरटी का, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 60 डिग्री का, 60 डिग्री रेडियन नहीं दिया, 60 डिग्री का कोई सर्किल है जिसमें लेंथ ऑफ आर्क, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कलर करके, तो ये ए से बी तक, और एक दूसरा सर्किल है जिसकी रेडियस अलग है, अगर रेडियस अलग है तो हमने इसको R2 मान दिया, वो एंगल बना रहा है 75। वो कह रहा है कि इनकी जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, ए बी की लेंथ ऑफ आर्क सी डी के बराबर है। मैंने कहा था लेंथ ऑफ आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेंथ ऑफ आर्क का तुम्हें फॉर्मूला याद है, थीटा अपॉन 360, यहां पे थीटा 60 हो गया, 2 पाई आर। ध्यान रखो मैं हमेशा इसी फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, मैं वो वाला नहीं लिखता आप वाला कि थीटा अपॉन 180 लिख दूं उसे काट के। आप भी आज से इसी तरह लिखना शुरू कर दो, ठीक है। सेकंड वाले में देखो, ये 75 अपॉन 360 2 पाई आर। अब देखो यहां पे अगर इक्वल टू आर होता है, अब तुम याद रख लो इस बात, ठीक है, आज बता रहा हूं इस कंसेप्ट को, फिर उसके बाद बार बार रिपीट ना करना पड़ेगा। जब कभी भी इक्वल टू आ रहा है और कॉमन आ रहा है तो नीचे वाली संख्या नीचे वाली से और ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से कट जाती है। तो यहां पर 360 से ये 360 कैंसिल आउट हो सकता है, ऊपर वाली से कट सकती है, 2 पाई से कट गया। अब हमने 15 से काटा इसे 4 टाइम्स, 15 से काटा 5 टाइम्स। अगर किसी बच्चे को इसमें परेशानी आ रही है तो वो पहले सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद कटिंग कर ले, नहीं तो ये नियम याद कर ले, बहुत सारे क्वेश्चनों में बहुत मदद करेगा ये। इक्वल टू जब भी आएगा, ऊपर वाली संख्या कॉमन में ऊपर वाली संख्या से कट सकती है, नीचे वाली संख्या कॉमन में नीचे वाली संख्या से कट सकती है। अब देखिए ये बन गया मेरा पाई आर वन इक्वल टू 5 आर। वो मेरे से इस क्वेश्चन में रेशियो पूछ रहा था दोनों रेडियस का, तो रेशियो पूछ रहा था तो आर टू को नीचे भेज सकता हूं मैं, इस 4 को नीचे भेज सकता हूं, तो रेशियो ऐसे लिख सकते या नहीं लिख सकते कि भाई आर वन और R2 का रेशियो क्या आ गया मेरा 5:4। खत्म। अब एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन आप कर लेना होमवर्क में, और साथ में एग्जाम्पल भी करना बेटा, एग्जाम्पल मस्ट है। एनसीईआरटी अगर कर रहे हो आप और एग्जाम्पल नहीं कर रहे तो बड़ी परेशानी, तो इसलिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लेना और वो कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9650
519601। इस पर ऐसे करके लिख देना इलेवेंथ, फिर उसके बाद थोड़ा गैप देके क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया या क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया या एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं आया, ऐसे करके भेज दोगे तो फिर मैं जब दूसरी क्लास लूंगा, आज हो गई थर्सडे, सैटरडे को, तो उस क्लास में मैं उन क्वेश्चनों के भी सॉल्यूशन बता दूंगा आपको जिनमें आपको परेशानी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।